हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम हियर। सो आज तुम्हें हम कुछ ऐसे टिप्स बोलेंगे जिसे सुन के तुम तुम्हारे फ़ोन को सुरक्षित रख पाओगे। जान लो कुछ उपाय। सोचो कि तुम रेलवे स्टेशन में हो, तुम ना जान के भी तुम्हारा दामी हैंडफोन को निकल के कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि गेम खेल सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, एनीथिंग। लेकिन तुम नज़र नहीं कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे फ़ोन को इधर से उधर देख रहा है। तुम जब उसको हाथ से पकड़ के रखेगो, तभी कहीं से भी कोई लड़का या कोई लड़की उसको चुराने के मतलब से आएगा। तुम उसको सिंपल से पकड़ के रखोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा वो हैंडसेट कोई लेके भाग जाएगा। वैसा होता है दोस्त, तो जब भी तुम निकालोगे, वो उसको छीन कर दौड़ के भाग जाएगा, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकते हो। तो कहीं भी अपने फ़ोन को मत निकालो। दूसरा उपाय क्या है? सोचो कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हारा हैंडसेट, दामी वाला हैंडसेट लेके आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम नहीं जानते हो वो जानता है कि तुम्हारा पास एक अच्छा दामी वाला सेट मोबाइल फ़ोन है, उसे लेने का कोशिश करेंगे। एग्जाम टाइम तुम उस फ़ोन को अपने साथ लेके नहीं बेच सकते हो, ऐसे नियम है। जब तुम वो हैंडसेट बैग में रखोगे, तभी जो तुम्हें वो लड़का जो देख रहा है तुमको कि तुम उस बैग में अपना हैंडसेट, दामी वाला हैंडसेट रख रहे हो, तभी वो सोचेगा कि तुम्हारे एग्जाम ख़त्म पेपर जमा देने के आगे वो उसे मतलब उसका पेपर जमा देके तुम्हारा फ़ोन बैग से निकल के भाग जाएगा। ऐसा होता है दोस्त, तो इससे भी सचेत रहना। अपने हैंडसेट को ऑफ करके अपने पकेट में ही रखो, या अपने एग्जामिनेशन के हाथ में दे दो, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तुम तो नहीं जान सकते हो कौन मेरे फ़ोन ले लिया। तीसरा उपाय, अनजान कोई भी हो, लड़की लड़का कोई भी हो, किसी को अपना हैंडसेट पकड़ने मत दो, क्योंकि तुम उसे नहीं पहचानते हो। वो आएगा, तुम कुछ कर रहे हो सोचो, बोलेगा अरे भैया थोड़ा अपना फ़ोन दो ना, एक वो लड़की विपद में है, उसको फ़ोन करना है। तुम सोचे तो विपद में है तो दे दो। जब तुम उसको देंगे, तभी तुम नज़रअंदाज ना कर सकते हो, वो फ़ोन लेके भाग जाएगा। तो किसी को विश्वास करके हैंडसेट मत दो, पहले देखो, जांच करो, उसके बाद दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दे मत दो, दो सोच के दो। ऐसा होता है कि कोई भी तुम्हारे हैंडसेट को कैसे भी करके ले सकता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें देखा दो आदमी फ़ोन लेने के मतलब उधर घूम रहा था। एक आदमी सब्जी खरीद रहा था, उसे मालूम ही नहीं है कि मेरे पॉकेट के अंदर फ़ोन है जो निकल के रहे, पॉकेट का बाहर में निकल के रही है। दो लड़का आया, फ़ोन ऐसे करके चुराया, बोल नहीं सकता हूँ। एक और न्यूज़पेपर पकड़ के रहे, वो न्यूज़पेपर में उसके बुक मतलब छाती के अंदर न्यूज़पेपर रख के
फ़ोन को गायब कर लिया। तो दोस्तों यही बोल रहा हूँ, जब भी कहीं भी जाओ, बाज़ार जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, ट्रेन में रहो, चाहे कहीं भी रहो, अपने फ़ोन को अपने सीने के पॉकेट में मत रखो, क्योंकि आसान हो जाता है चोरी करने में उससे। हाथ ढुकाया और माल निकल गया, तो ऐसे गलती मत करो। अपना फ़ोन अपना संपत्ति, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे ना पूछ के ना सोच के 10,000 का फ़ोन, मतलब 10,000 ही सोचो कि दे दी फ्री से। तो यही बोलना चाहता हूँ कि सावधान रहो, गलती मत करो, अपना चीज़ सेफ्टी में रखो। तो थैंक यू दोस्तों, इसे अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कुछ ख़राब लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। धन्यवाद, सावधान रहिए।